Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. Today we will be covering the topic, the value chain approach for assessing the competitive advantage. You can get these notes from the description box below and also the link of playlists that have been uploaded till date. In case you are new to this channel, I upload videos every day at 7 p.m. So without wasting any further time, let's start with our main topic of discussion for today, that is value chain approach. Value chain approach kya honi chahiye, jisse ki aap assess kar sako, matlab understand kar sako competitive advantage ko. So kis type ki value chain approach aapko follow karni hoti hai, that we are going to study. This topic is given on page number 1.21 of these notes. I hope you have opened them. लेट्स स्टार्ट विद इट. अगर मैं आपको इसको ब्रीफली बताऊँ तो इसके अंदर आपको जो फोकस मेन रखना होता है दैट इज़ ऑन दी प्रोसेस और एक्टिविटीज़ कि किस कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको क्रिएट कर रही हैं. ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बन रहे हैं, उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा. इसमें आपको वैल्यू चेन एनालिसिस को यूज़ करके समझना है कि आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है. कोई भी डिफरेंशिएशन पॉलिसी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो क्या वो डिफरेंशिएशन पॉलिसी आपको कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रही है या नहीं दे रही है, और आपका वर्टिकल लिंकेज किस तरीके से है उसको भी एनालाइज करेंगे. वर्टिकल लिंकेज की बात करें तो अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रीम जो आपकी एनालिसिस चलता है एक्टिविटीज़ का उसको असेस करना, जिसमें आपको इंटरनल वैल्यू चेन और इंडस्ट्री वैल्यू चेन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी. क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सटर्नली देखते हो तो इंडस्ट्री वैल्यू चेन आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता होना चाहिए, और इंटरनली जब आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन चेक करते हो तो आपको इंटरनल वैल्यू चेन के बारे में भी पता होना चाहिए. सो सबसे पहले हम इसको ब्रीफली टॉपिक को समझते हैं. तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को असेस करना है. किसकी थ्रू? आपको वैल्यू चेन के थ्रू इसको असेस करना है. किस तरीके से आप कर सकते हो? आपके पास तीन टाइप के एनालिसिस हैं. पहला इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, दूसरा इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस. फर्स्ट वन इज़ दी कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज़ दी डिफरेंशिएशन एनालिसिस एंड थर्ड वन इज़ दी वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस. अगर मैं इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस की बात करूँ तो इसमें आपको समझना कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सभी की कॉस्ट किस तरीके से कंप्यूट हो रही है, कॉस्ट क्या है. दूसरा आपको देखना पड़ता है कि आपकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के क्या सोर्सेज हैं, किस तरीके से आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, किस किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो रही है. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स अंडरटेक करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में वैल्यू क्रिएट हो रही है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्रिएट हो रही है. दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट के अंदर कुछ तो होते हैं जो डायरेक्टली आपके एट्रिब्यूटेबल होते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये वैल्यू एडिशंस कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ की कॉस्ट होती हैं. तो उन सपोर्ट एक्टिविटीज़ की कॉस्ट को भी आपको इंक्लूड करके चेक करना पड़ता है कि ओवरऑल कॉस्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी हो रही है. आपको कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस बेसिस पर आपकी कॉस्ट का एलोकेशन होना चाहिए, कौन सा एप्रोप्रिएट बेसिस होगा, कौन सा एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर होगा जिसके बेसिस पर अगर आप एलोकेशन करोगे तो आपको करेक्ट कॉस्ट कंप्यूट होकर मिलेगी. आपको ये भी चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि एक प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस के बीच में देयर इज एनी लिंक बिटवीन वन प्रोसेस और नॉट. जनरली देयर प्रोसेस होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं. सो इंटरडिपेंडेंस की वजह से सिर्फ एक कॉस्ट को आप नहीं देख के डिसाइड कर सकते. हो सकता है आप ये भी नहीं कह सकते कि सभी डिपार्टमेंट्स की, सभी प्रोसेसेस की कॉस्ट आपको एक ही परसेंटेज से डिक्रीज़ कर लेनी चाहिए. नहीं. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप कॉस्ट 10 की डिक्रीज़ करते हो तो दूसरे में आपको 2 की बढ़ानी पड़े, तभी आपके प्रोसेसेस अच्छे होंगे, तभी आपकी वैल्यू चेन अच्छे से हो पाएगी, आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अच्छे से क्रिएट हो पाएगी. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक प्रोसेस में एक ही टाइप का आप फॉर्मूला लगाओ और सब में एक ही जैसा रिजल्ट लेकर आ सकते हो. नो, यू हैव टू मेक इट कस्टमाइज्ड. किसी में हो सकता है आपको ज़्यादा कॉस्ट कम करने की रिक्वायरमेंट, और किसी में हो सकता है इवन बढ़ाने की या सेम रखने की रिक्वायरमेंट हो सकती है. सो दिस डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस टू प्रोसेस.
फिर आपको देखना पड़ता है कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे कि आप कॉस्ट एडवांटेज क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू सी तब वो क्रिएट कब होती है, या तो आपकी कॉस्ट लीडरशिप होती है या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, दोनों में से कुछ भी होता है दैट मीन्स यू आर एबल टू अचीव दी कोर कॉम्पिटेंसी. कोर कॉम्पिटेंसी मतलब यूनिकनेस, समथिंग विच एवरी वन के नॉट इमिटेट, राइट. सो आपको रिलेटिवली देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर आपको कॉस्ट एडवांटेज मिल सकता है. ये तो हो गया हमारा ब्रीफ में इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस वाला टॉपिक. इसी तरह से हम इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस को भी पढ़ेंगे और वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस को भी पढ़ेंगे. मैं अभी ब्रीफ नहीं कर रही हूँ, नहीं तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा. एक एक करके ब्रीफ करेंगे और फिर उसको वापस से रीड करके लाइन टू लाइन समझेंगे कि बुक में क्या दिया हुआ है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको बुक की लैंग्वेज के भी कीवर्ड्स पता होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे. आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट पहले समझना है, देन आपको रीडिंग करके पॉइंट्स को हाईलाइट करना है. जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पहले अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, उसके बाद वील मार्क दी मार्क और हाईलाइट दी वर्ड्स विच आर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हमें एग्जाम में लिखने चाहिए, रेफरेंस देना चाहिए, जिससे वी कैन फेच सम मार्क्स. ऑल्सो उनको याद करने के लिए आपको बार बार इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ही रिवाइज़ करके या एक बार ही पढ़ने से याद नहीं होता है. सो मल्टीपल रिविजन्स के लिए आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी कि आप फटाफट से, जब भी आप फ्री हो, आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप इसको फटाफट से सुन सकते हो और सुनने से ही आपको काफ़ी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और याद हो जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस. ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज द वैल्यू चेन एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. सो जैसे मैंने बताया था कि इस एनालिसिस को यूज़ करके वैल्यू चेन एनालिसिस को ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसकी क्या कॉस्ट लग रही है उसको वो समझ सकते हैं, प्लस कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू उनकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हो रही है, उन सोर्सेज को भी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द फॉलोइंग स्टेप्स आर जनरली यूज्ड टू कैरी आउट एन इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस. सो किस तरीके के स्टेप्स आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपको इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस हो पाए, तो जो स्टेप्स यहाँ पर मैंशन हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, बिकॉज हो सकता है आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन नहीं, केस स्टडी बेसिकली, केस स्टडी के अंदर ये स्टेप्स लिखने के लिए पूछा हो या इनडायरेक्टली देर हैज़ बीन कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड हो, तो इसीलिए आपको अगर स्टेप्स पता होंगे तो आप ईजिली उसको आंसर कर पाओगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ आइडेंटिफाई द फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि फर्म के कौन से वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस हैं. जब आप फर्म के वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस यानी कि एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लोगे, उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सी एक्चुअल में एक्टिविटीज़ वैल्यू क्रिएट कर रही हैं और कौन सी नॉन वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ हैं. तो हो सकता है ना कुछ एक्टिविटीज़ जो वैल्यू क्रिएट कर रही हैं आप उनको कैरी ऑन करना चाहो और जो नहीं क्रिएट कर रही उनको एलिमिनेट या फिर रिड्यूस करना चाहो. So the first step in which a firm identifies its value creating processes, traditionally businesses organize themselves into various cost, revenue and profit centers. So पहले क्या होता था, पहले organizations businesses क्या कर सकते थे, अपने आप को अलग अलग centers में divide करते थे कि ये cost center है, ये revenue center है, ये profit centers हैं. But अभी क्या होता है, departmentalization ही देखते कि इस department में ये है, इस department में ये है, अब ये देखते हैं कि कौन सी activity कैसी है. So अभी जो focus हो गया that is on the activity and processes, पहले focus होता था on the departments. Right, so traditionally businesses organize themselves into various cost, revenue and profit centers. The businesses are structured with different layers of hierarchy. These type of classification or organization does not help firm understand the contribution of each activity. क्योंकि departmentalization करा है आपने function structure के basis पर तो divide कर दिया, but इससे आपको हर एक activity का real contribution नहीं. So, इसीलिए देर वॉज अ नीड कि आप इसको एक्टिविटी बेसिस पर आइडेंटिफाई करो. सो द की इज टू क्लासिफाई द एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड देयर ट्रू कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फर्म्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एग्जाम्पल, फर्म्स माइट हैव डिस्टिंक्टिव एडवांटेज इन देयर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. सो कोई एक्टिविटी में हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा है. क्यों?
क्योंकि आपके पास डिस्टिंक्टिव एडवांटेज है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे एक्चुअल में किससे बेनिफिट हो रहा है और किससे नहीं. डिटर्मिन द पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस. सो आपको अब पूरी जो इस सेकेंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है कि आपको टोटल कॉस्ट का पोर्शन डिटर्मिन करना है कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए है, जिससे आप पता लगा पाओ कि कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस जो है वो उस मतलब टोटल कॉस्ट में से ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस में इनकर हो पा रही है. राइट, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ट्रेस और असाइन द कॉस्ट एंड एसेट्स टू ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस आइडेंटिफाइड. जब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस या एक्टिविटी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो अब आप देखोगे ना कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है, तो वही आपको एलोकेशन करना है. अ कंपनी माइट यूज एस्टिमेट्स टू असाइन द कॉस्ट टू द वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज. तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, एस्टिमेट्स यूज़ कर सकते हो कि किस बेसिस पर आपको वैल्यू को जो भी कॉस्ट आ रही है उसको असाइन करना है. द कॉस्ट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटीज मस्ट बी एलोकेटेड टू गेट अ फुल पिक्चर ऑफ. देखो अब कॉस्ट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो पहले था वो तो हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़, जब पता होता है कि ये वाली हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट है तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं और इजीली एलोकेट कर देते हैं. बट यहाँ पर लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटीज़ मस्ट बी एलोकेटेड टू गेट अ फुल पिक्चर ऑफ कॉस्ट. एग्जाम्पल, अ न्यू ERP सिस्टम माइट रिड्यूस द इनबाउंड लॉजिस्टिक कॉस्ट विद proper inventory management but would increase the cost of IT fund, cost on IT front. Unless such costs are identified and allocated, the analysis would not give a clear picture. Many of the processes identified may be instrumental for achieving the competitive advantage. अब इसका क्या मतलब है, इसमें बोला है कि अगर आपने जो भी प्राइमरी कॉस्ट थी उसको तो इंक्लूड कर दिया, बट यू हैव नॉट इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटीज़, जो कि एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोर्ट एक्टिविटीज़ को करने की वजह से आपकी जो प्राइमरी कॉस्ट थी किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी की वो कम हो रही है. तो आपको ऊपर से क्या लगेगा कि कॉस्ट कम हो रही है, बट एक्चुअल में क्या वो कम हो रही है, नहीं. क्यों? क्योंकि सपोर्ट एक्टिविटीज़ करने की वजह से आपकी वो वाली कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों टाइप की कॉस्ट को इंक्लूड करो और फिर उसके हिसाब से डिसाइड कर पाओ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है. नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा. एग्जाम्पल में यही बताया हुआ है कि हो सकता है आपने कोई ERP सिस्टम लगाया है नया, उसकी वजह से जो आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट थी, मतलब रॉ मटेरियल को अपनी वेयरहाउस तक लाने की जो कॉस्ट थी, दैट गॉट रिड्यूस्ड. बट क्या एक्चुअल में ये काम करने की वजह से आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट एक्चुअल में कम हुई है? नहीं. क्यों? क्योंकि आपने बिकॉज सम सपोर्ट एक्टिविटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड, उसकी वजह से ही कम हुआ है, तो वो सपोर्ट एक्टिविटीज़ की कॉस्ट एक्चुअल में इंक्रीज़ हो गई. अब अगर आप उसको सपोर्ट एक्टिविटीज़ की कॉस्ट को एलोकेट ही करोगे कि पर्टिकुलर ये वाली जो सपोर्ट एक्टिविटी है ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स या मल्टीपल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही है, तो पर्टिकुलरली इस वाली एक्टिविटी के लिए कितनी सपोर्ट एक्टिविटी की कॉस्ट आपको एलोकेट करनी चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. तभी आप डिफाइन कर पाओगे, तभी आप डिटर्मिन कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी में इतनी कॉस्ट निकल के आ रही है. सो दैट इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड कि आप प्राइमरी के साथ साथ सपोर्ट एक्टिविटीज़ की कॉस्ट को भी इंक्लूड करो, तभी आपको रियल कॉस्ट पता चलेगी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर ईच प्रोसेसेस. कॉस्ट ड्राइवर्स आपको आइडेंटिफाई करना है कि बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या होगा. द कंपनी आइडेंटिफाइज द फैक्टर्स विच ड्राइव कॉस्ट. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर कॉस्ट डिटर्मिन होती है या फिर कॉस्ट एलोकेशन होता है. अ चेंज इन कॉस्ट ड्राइवर लीड्स टू अ चेंज इन ओवरऑल कॉस्ट. कॉस्ट ड्राइवर चेंज करते क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आपने एलोकेशन का बेसिस बदल दिया है. द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई द फैक्टर और कॉस्ट डिटर्मिनेंट्स फॉर ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस. तो अब आपके पास कॉस्ट आ गई, कॉस्ट के बाद आपको ये डिटर्मिन करना पड़ेगा कि कॉस्ट ड्राइवर क्या है पर्टिकुलर उसका वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस या एक्टिविटी का. वंस द फैक्टर्स ड्राइविंग द कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड, बिजनेस कैन असाइन द प्रायोरिटी इन इट्स कॉस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़. जब आपके पास एक्चुअल में एलोकेटेड असाइंड कॉस्ट आ जाएगी, तो आपके पास एक रफ आइडिया होगा ना कि किस में कितनी कॉस्ट लग रही है. इसके बेसिस पर आपको जहाँ पर भी कॉस्ट को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पर कॉस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को करोगे, जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाए. और ये तब
होगा जब आपने ऑलरेडी टोटल कॉस्ट निकाली हो, कॉस्ट ड्राइवर्स निकाल लिए हो, सब कुछ निकाल लिया होगा, तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स में नॉट रिवील द कॉजेज और फैक्टर्स फॉर द सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल कॉस्ट। द यूज़ ऑफ अ सिंगल आउटपुट और वॉल्यूम मेजर्स टू असाइन द कॉस्ट कैन ऑल्सो बी मिसलीडिंग एट टाइम्स। तो आपने क्या किया, एक ही पर्टिकुलर बेसिस ले लिया जिसके बेसिस पर आप हर चीज़ की कॉस्ट निकाल रहे हो, एलोकेट करो, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि हर चीज़ का जो मतलब रीज़न होता है, बेसिस होता है, दैट इज़ डिफरेंट। अगर आप नंबर ऑफ, सपोज हमने लाइटिंग वाले, हम ये कॉन्सेप्ट्स पहले भी पढ़ चुके हैं, सपोज आपको लाइटिंग की कॉस्ट एलोकेट करनी है, तो लाइटिंग की कॉस्ट आपके नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हिसाब से एलोकेशन होता है। वाई? बिकॉज उसको ड्राइव करने वाला, इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर कौन सा है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। जितने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, उतनी ही तो लाइटिंग कॉस्ट उस पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको एलोकेट करनी चाहिए, राइट? तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करो। अगर आप सिर्फ ये रखते कि इस पर यूनिट के हिसाब से निकाल दो, तो आपको एक्चुअल कॉस्ट एक्टिविटी वाइज नहीं पता चल पाती। इसीलिए हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर शिफ्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस हो रहा है दैट इज़ ऑन एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस रादर दैन ऑन डिपार्टमेंट्स। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स में नॉट रिवील द कॉजेज और फैक्टर्स फॉर दी सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल कॉस्ट। द यूज़ ऑफ अ सिंगल आउटपुट और वॉल्यूम मेजर्स टू असाइन द कॉस्ट कैन ऑल्सो बी मिसलीडिंग एट टाइम्स। मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स यूजुअली प्रोवाइड मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड अनालिसिस। द कंपनीज आर यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसोर्सेज कंज्यूम्ड एंड द कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ सर्टेन एक्टिविटी। सो दिस इज़ वाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो पाता है कि कितने रिसोर्सेज किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कंज्यूम हो रहे हैं, और जब कंज्यूम हो रहे हैं तो उस पर कितनी आपकी कॉस्ट एक्चुअली इनकर हो रही है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप हमारा अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है हम जो प्रोसेसेस हैं उनके बीच में लिंक्स देखें कि क्या वो लिंक्ड हैं या नहीं है, वेदर दे आर डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट। तो जनरली जो प्रोसेसेस होते हैं दैट आर इंटरडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट, आप उनको अलग से नहीं कर सकते हो, और आपकी हो सकता है कि जो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट है वो एक प्रोसेस में कम हो, दूसरे में ज़्यादा हो, दैट डिपेंड्स। सो एक एक करके इसको रीड करते हैं। द वैल्यू चेन एनालिसिस कंसिडर्स इंडिविजुअल वैल्यू एक्टिविटीज एज सेपरेट एंड डिस्ट्रिक्ट। However, the individual activities are not independent and are not expected to function in silos. मतलब अलग से काम नहीं करती हैं। Most activities within a value chain are interdependent and linkages between the various activities might impact the total cost. Since they are interdependent, तो हो सकता है कि जो भी बहुत सारी activities हो रही हैं उसका total cost पर काफ़ी effect आ जाए। The cost improvement programs in one value chain may lower or increase the cost in other processes. So, जो भी cost improvement programs हैं एक value chain के अंदर, हो सकता है वो कम हो या फिर cost दूसरे other processes की increase हो जाए, तो because they are interdependent, कहीं कम कहीं ज़्यादा होना normal है। An increase in automation might reduce the manpower cost, but would also increase the technology cost. So, हो सकता है आपने क्या किया, कंपनी के अंदर ऑटोमेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी लेबर काम कर रही थी, मैन पावर काम कर रही थी, उसकी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि सारा काम ऑटोमेटेड सिस्टम से हो रहा है। बट क्या सिर्फ सारी कॉस्ट कम ही हुई है? नहीं, क्योंकि आपने ऑटोमेशन का प्रोसेस लगाया तो मैन पावर कॉस्ट तो कम हो गई, लेबर कॉस्ट तो कम हो गई, बट इट हैज़ लेड टू इंक्रीज इन दी टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट। वाई? बिकॉज यू हैव इंट्रोड्यूस द टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने की भी कॉस्ट होती है, उसको इंट्रोड्यूस करने की भी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट, इवैल्यूएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग द रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। अपॉर्चुनिटीज जो भी हैं उनको इवैल्यूएट करो। अब इवैल्यूएट करने से क्या होगा, इवैल्यूएट करने से ये होगा कि जो भी आपको कॉस्ट एडवांटेज है वो अचीव हो पाएगी। Traditionally, firms and businesses have adopted across the board cost reduction. Such an approach, example, reduce the cost under all the heads by 15%, does not solve the actual problem as the costs are not reduced strategically. आपने सीधा ये बोल दिया कि 15% cost हर एक department का target है reduce करने का, तो क्या ये actual में सही है?
ट्रेडिशनली ऐसा होता था, तो आप बताओ क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हो सकता है ना एक डिपार्टमेंट में वो 15% रिड्यूस करना फिर भी फीजिबल था, पॉसिबल था, बट दूसरे डिपार्टमेंट में अगर ऐसा किया गया तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। हो सकता है उस डिपार्टमेंट को तो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी कि वो ज़्यादा कॉस्ट इनकर करे तभी वो आगे वैल्यू चेन वैल्यू क्रिएट कर सकता है, बट हमने तो यहाँ पर क्या ऑर्डर दे दिया, हमने तो बोल दिया कि सीधा सीधा आपको सारे के सारे क्या करने हैं, रिड्यूस करने हैं कॉस्ट को। बट इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली आपने काम नहीं किया। सच एन अप्रोच माइट लीड टू अ फोर्सफुल रिडक्शन इन कॉस्ट इन सर्टेन एरियाज लाइक मार्केटिंग विच माइट इम्पैक्ट द सेल्स। आप क्योंकि आपने तो 15% कम करने के लिए बोल दिया, तो हो सकता है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो भी अपनी कॉस्ट इंक्रीज़ करने पर मजबूर हो जाएगा, और जब वो डिक्रीज़ करने पर मजबूर हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपकी खुद की कंपनी की सेल्स पर इफेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से कॉस्ट तो आपने रिड्यूस कर दी बट साथ ही साथ भी रिड्यूस कर दी, तो क्या प्रॉफिट्स पर अच्छा खासा इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। सर्टेन एक्टिविटीज़ माइट प्रोवाइड अ लार्जर अपॉर्चुनिटी फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट, while other activities might require that the costs are incurred at current level or may be even at higher levels. Using the value chain approach, a company goes beyond simple across the board cuts and attempts to lower the cost and improve the efficiency within each value creating process. अब जब हम value chain approach की use करते हैं तो उसमें क्या होता है, देखा जाता है कहाँ कहाँ पर actual में reduce हो सकती है, फिर वहीं पर reduce की जाती है, और जहाँ पर even same level पर रखने की requirement है या फिर increase करने की requirement है तो वहाँ पर वो भी appreciate किया जाता है, जिससे क्या होता है cost automatically तो कम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके sales अगर बढ़ रहे हैं, profits अगर बढ़ रहे हैं, तो cost रिड्यूस हो पा रही है उन डिपार्टमेंट्स में जहाँ पर कम हो सकता था, तो कॉस्ट भी कम हो गई, रिवेन्यू भी बढ़ गया, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ी और वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस भी अच्छे खासे बढ़े। रिड्यूसिंग द प्रोसेस इनपुट कॉस्ट ऑफन मीन्स नेगोशिएटिंग लोअर वेजेस और मूविंग द प्रोडक्शन टू कंट्रीज विद चीपर लेबर कॉस्ट। Suppliers might be willing to drop their prices if the company negotiates long-term contracts. Companies also buy or use buyer-seller partnerships to gain the advantages in cost, quality, time, flexibility, delivery and technology. So, ये कुछ तरीके के suggestions आप कह सकते हो कि cost को आप reduce कैसे कर सकते हो, और reduce करने के बावजूद आप हर चीज़ ensure कैसे कर सकते हो, तो आप तब कर सकते हो जब आपने क्या किया है, ऐसी जगह पर सेटअप करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पर आपको चीप लेबर अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट विल डिक्रीज, या फिर आप इस पोजीशन में हो कि आप लेबर के साथ बार्गेनिंग नेगोशिएशन कर पा रहे हो कि लो वेजेस पर आपको अच्छी क्वालिटी का काम मिल जाए। दूसरा क्या करते हैं सप्लायर्स और बायर्स दोनों आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप पार्टनरशिप फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से द सप्लायर्स इंश्योर टाइमली डिलीवरी क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स, एंड कस्टमर्स भी मेक श्योर करते हैं कि वो उन्हीं से परचेज करें जिससे प्राइस भी कम मिले, क्वालिटी भी अच्छी मिले और टाइमली डिलीवरी भी हो पाए। सप्लायर्स जो हैं वो अपना प्राइस रिड्यूस कब करना चाहेंगे, तब करना चाहेंगे जब उनको एक अश्योरेंस मिले कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो इस केस में दे ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू वर्क मोर एंड बिल्ड द रिलेशनशिप विद द बायर, जिससे कि उनका ये रिलेशनशिप चलता रहे और क्या हो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करते रहे और दोनों ही अपने प्रॉफिट्स को इंश्योर कर पाएं। ठीक है, सो ये सारा हमने किससे रिलेटेड पढ़ा है, हमने इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस से रिलेटेड पढ़ा है, जिसमें हमने मेन पढ़ा कि हमें समझना होता है कि कॉस्ट क्या है प्रोसेसेस की और एक्टिविटीज़ की, और आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि सोर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको अंडरटेक करने पड़ते हैं, वो स्टेप्स मैं एक बार फटाफट से क्विकली दोबारा रिपीट कर देती हूँ जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाई करो फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस कौन से हैं। दूसरे स्टेप को आपको आइडेंटिफाई करना है, डिटरमिन करना है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको हर एक वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस पर आपको एलोकेट करना है। तीसरे स्टेप पे आपको कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करने हैं हर एक प्रोसेस के लिए, और चौथे स्टेप पे आपको लिंक्स क्रिएट करने हैं बिटवीन दी प्रोसेसेस, या लिंक्स आइडेंटिफाई करने हैं बिटवीन दी प्रोसेसेस। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करना है जिससे कि आप जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सको और कॉस्ट एडवांटेज गेन कर सको। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस अच्छे से हो जाएगा, और ये एनालिसिस करने के बाद आप क्या अचीव कर पाओगे, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं एक्टिविटीज़ हैं जो एक्चुअल में आपकी प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं, और आपका फोकस इसी पर रहेगा जिससे कि आप अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझ पाओगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। चलो
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। व्हेन आई से इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, सो इसमें आपको क्या सोचना होता है, इसमें आपको सोचना होता है फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कि कस्टमर को किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करके दे सकते हो। देखो जब कस्टमर खुश होता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप फ्लरिश करती है, क्यों, क्योंकि कस्टमर ही तो है जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को कंज्यूम करेगा और अल्टीमेटली उन्हीं से आपको प्रॉफिट्स होंगे। सो आपको ऐसी वैल्यू क्रिएट करके देनी पड़ती है टू द कस्टमर्स सो दैट दे बिकम लॉयल टू योर प्रोडक्ट्स, दे हैव सम सेंस ऑफ ब्रांड लॉयल्टी टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसीलिए आपको कस्टमर के हिसाब से सोचना पड़ेगा कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाता है। पहले क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से सोचती थी, बट नाउ इन द न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट वी थिंक मोर कस्टमर ओरिएंटेड, जिससे कि हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें और अल्टीमेटली बिजनेसेस ग्रो कर सकें। So internal differentiation analysis, companies can also use value chain analysis to create and offer superior differentiation to the customers. The focus is on improving the value perceived by the customers on the company's products and services offerings. The firms must identify and analyze the value creating process and carry out a differentiation analysis. इसमें आप क्या करोगे, वहाँ पर आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ और वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे थे, कॉस्ट एलोकेशन वगैरह कर रहे थे, बट यहाँ पर आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जो कस्टमर्स को वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, आप डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज़ को इवैल्यूएट करोगे जिससे कि कस्टमर वैल्यू को किसी भी हद तक किसी भी हालत में आप इन्हांस कर सको, बढ़ा सको। इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ बनाने की कोशिश करोगे जिससे कि कस्टमर वैल्यू इंक्रीज हो, और आप ऐसी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज़ को डिटरमिन करोगे जो सस्टेनेबल भी हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो, जिससे कि आपके कस्टमर्स क्या रहें, सैटिस्फाइड रहें, उनके लिए वैल्यूज़ क्रिएट हो पाए। सो एक एक करके ये पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ द टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस, द मेन फोकस इज़ ऑन द कस्टमर। द कंपनी मस्ट आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटीज़ इन इट्स वैल्यू चेन in its value chain which are undertaken to deliver the products or services to its customers. Differentiation comes from the way various activities are performed. उस तरीके से आते हैं जिस तरीके से आप various activities को perform कर रहे हो, and the way in which value chain is structured. So ये हमारा हो गया first point जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, customers की value creating processes को identify कर रहे हैं। Second is the evaluate differentiation strategies for enhancing the customer value. The company seeks to evaluate various strategies which could enhance the customer value. The strategies which the company can implement to enhance the customer value are as follows. सबसे पहले आपके प्रोडक्ट में क्या सुपीरियर फीचर्स हैं जिसकी वजह से कस्टमर को कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मिल रहा है फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, सर्विस होती है, तभी कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स के लिए मोर अट्रैक्टेड होंगे, टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स मोर अट्रैक्टेड होंगे, मोर कमिटेड होंगे। सो सुपीरियर फीचर्स क्या हैं प्रोडक्ट के अंदर। सेकेंडली आप किस तरीके की मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज़ करते हो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपके मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इफेक्टिव हैं, अच्छे हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर्स गेट सेटिस्फाइड विद दिस फैसिलिटी और दिस फीचर। थर्ड, एक्सेलेंट आपको कस्टमर सर्विस तो अच्छा रखना ही पड़ेगा, उनसे फीडबैक्स लो, उनको जो भी आपने वारंटी गारंटी इशू करी है उसको उसका रिस्पॉन्स भी दो, ठीक है, उस चीज़ को कमिटमेंट को फुलफ़िल भी करो जो आपने उनको दिया है। सो टाइमली रिपेयर्स आप कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि उसके लिए ओवर प्राइसिंग कर रहे हो, आप इफ़ेक्टिव कॉस्ट पर उनको रिपेयर्स करके दे रहे हो, उनका जो भी काम है उसको अच्छे से करके देख रहे हो, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आप फुलफ़िल कर पा रहे हो। सो दैट इज़ नोन एज एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट इज़ दी हैविंग अ सुपीरियर ब्रांड इमेज। आपकी ब्रांड का नाम सुनते ही पता चले कि ये सुपीरियर ब्रांड है, काफ़ी अच्छी ब्रांड है। वो कब होता है, जब कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती है। आप कितनी भी एडवर्टाइजमेंट कर लो, अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दूसरे कस्टमर को यही बोलेंगे कि मत खरीदो, अच्छा नहीं है। वो कब बोलेंगे अच्छा है, जब वो खुद सेटिस्फाइड होंगे। सो दैट हेल्प्स टू क्रिएट योर सुपीरियर ब्रांड इमेज, क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी है, प्राइसिंग ठीक है, तो उस केस में ब्रांड इमेज भी काफ़ी अच्छी होती है। ऑफरिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस,
क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन प्राइस इतना ज़्यादा है कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, सबकी पॉकेट उतना अलाउ नहीं कर रही है कि उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर पाए, तो क्या उसका फ़ायदा होगा? नहीं। क्वालिटी प्रोवाइड करो अच्छी, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्राइस पर प्रोवाइड करोगे तभी आप इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। या तो आप इतना अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो कि आप उसके लिए कितना भी प्राइस चार्ज करो, एवरी कस्टमर कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे फॉर इट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, नोबडी इज़ प्रोवाइडिंग दैट क्वालिटी। सो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो अगर आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व कर पा रहे हो टू द सोसाइटी तो दैट शुड बी एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, नहीं तो कोई भी जल्दी से उसको बाय नहीं कर पाएगा। सो दीज वर सम ऑफ दी स्ट्रैटेजीज़ जो कंपनी इंप्लीमेंट कर सकती है जिससे कि कस्टमर वैल्यू क्या हो सके, इन्हांस हो सके। सो क्विकली मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट वॉज सुपीरियर फीचर्स इन द प्रोडक्ट, सेकेंड वॉज यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, थर्ड वन वॉज एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस, फोर्थ वन वॉज हैविंग अ सुपीरियर ब्रांड इमेज, फिफ्थ वन वॉज ऑफरिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। चलो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, डिटर्मिन करो बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो द एक्टिविटीज विच कुड इन्हांस द डिफरेंशिएशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड, अ कंपनी मस्ट आइडेंटिफाई दोज स्ट्रैटेजीज विच कुड क्रिएट सस्टेनेबल प्रोडक्ट सर्विस डिफरेंशिएशन, द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजी मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली बात है, इफ यू डोंट हैव द रिसोर्सेज विल यू बी एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स द नीड्स और फुलफिल योर स्ट्रैटेजी सेटिस्फाई योर स्ट्रैटेजी, नो। आपके पास हैं वो होंगे तभी तो आप सर्विस अच्छे से दे पाओगे। सो आपको इस तरीके की स्ट्रैटेजी चूज़ करनी चाहिए जिसको आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ भी अचीव कर पाओ। कंपनी को वो स्ट्रैटेजीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो उसकी प्रोडक्ट्स को सस्टेनेबल बना सके और सस्टेनेबल के साथ साथ डिफरेंशिएटेड भी बना सके। सो दीज वर द पॉइंट्स विच वी स्टडीड इन इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। इसमें आपका मेन फोकस इज ऑन द कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस, राइट। सो फर्स्ट हमने कर लिया इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, सेकेंड हमने कर लिया इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। अब जो थर्ड हमारा है वो है वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। इसके अंदर आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट अगर याद है जो हमने IPCC के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा था, तो उससे थोड़ा थोड़ा लिंक्ड है ये। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको लिंकेज देखने पड़ते हैं कि फर्म की क्या वैल्यू चेन है और आपके सप्लायर्स या फिर जो भी यूज़र्स हैं प्रोडक्ट के उनकी क्या वैल्यू चेन्स हैं, दोनों को आपको देखना पड़ता है और दोनों का लिंक देखना पड़ता है। व्हेन यू सी द लिंक बिटवीन द बोथ ऑफ देम यू कैन डू दी वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस ईजीली। इसी को हम वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस बोलते हैं, जहाँ आपका जो एक्टिविटीज़ हैं विच स्टार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट एंड एंड्स एट द फाइनल प्रोडक्ट की डिलीवरी, वो सब देखा जाता है कि आपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया फ्रॉम द सप्लायर्स एंड यू सप्लाइड द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट। सो यहाँ पर आपकी खुद की फर्म की वैल्यू चेन देखी जाएगी और आपके सप्लायर्स और यूजर्स के बीच में क्या तालमेल है, क्या लिंक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है हर एक प्रोसेस पे, क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है हर एक प्रोसेस के बारे में। बट हो सकता है ना आप सारी की सारी एक्टिविटीज खुद से नहीं करते, खुद से नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन आपके पास हर एक्टिविटी की आना बहुत ज़रूरी नहीं है, आपके पास बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हर एक एक्टिविटी आप परफॉर्म नहीं करते तो इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करोगे? तो इसके लिए आपको देखना पड़ता है कि क्या क्या कॉस्ट ड्राइवर्स हैं हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए। फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करना पड़ता है कि जिससे भी आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल रह पाए। आपको वो सेगमेंटेशन एनालिसिस वाला अगर टॉपिक याद है जो हमने अभी कल ही कवर किया था, सेगमेंटेशन एनालिसिस, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सेगमेंट वाइज हमें देखना पड़ता है कि कौन से सेगमेंट्स एक्चुअली में सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उसके लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म करते थे इफ यू रिमेंबर। देन वी यूज़ टू चेक कि कौन सा मेक करना है, कौन सा आउटसोर्स करना है, कौन सा हमें खुद करना चाहिए। खुद करना चाहिए कब? जब कोर कॉम्पिटेंसीज हों उसमें, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव आ रही हो और आपको कुछ सेगमेंट्स को क्या करना पड़ता है, आउटसोर्स करना पड़ता है बेस्ड ऑन कि कैसा उसका रिस्पॉन्स है। ईदर यू विल बिल्ड अ कॉम्पोनेंट और यू विल मेक अ कॉम्पोनेंट इन हाउस और यू विल गिव इट टू थर्ड पार्टीज, यू विल आउटसोर्स द सेम। सो दैट यू नीड टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर सेगमेंटेशन एनालिसिस, राइट। सो अब हम इसको एक बारी रीड करते हैं वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस को, इसके बाद हमें इजीली क्लियर हो जाएगा। वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस,
a company generates competitive advantage not only through linkages of internal processes within a firm, but also through linkages between a firm's value chain and that of the suppliers or users. A vertical linkage analysis produces all upstream and downstream activities throughout the industry. The analysis encompasses activities beginning at source of raw material and ending at the final delivery of the product to the customers. So, shuruaat kahan se hoti hai analysis ki? Start hoti hai from the activity. Activity kya? Source. रॉ मटेरियल का सोर्स का है, उसको गैदर करना, फिर उसको मैन्युफैक्चर करना एंड सप्लाइंग देम टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर्स और अल्टीमेट कस्टमर्स. अ कंपनी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट ओनली दी वैल्यू चेन, इंटरनल वैल्यू चेन का ही नहीं पता होना चाहिए, बल्कि आपको इंडस्ट्री वैल्यू चेन के बारे में भी पता होना चाहिए, जो हमने कल के टॉपिक, कल की सेशन में कवर किया था, विच वॉज पॉटर्स 5 फोर्सेज. रिमेंबर, राइट? सो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरनल वैल्यू हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम अगर लिंक क्रिएट नहीं करेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है. वी हैव टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन द टू कि इंटरनल वैल्यू चेन में क्या हो रहा है और एक्सटर्नली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. तो इसके हिसाब से अगर हम दोनों को लिंक करेंगे, दोनों को समझेंगे, तो हम अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे. अ कंपनी माइट नॉट कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ इन द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ एन इंडस्ट्री, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, विच इज़ वेरी नॉर्मल. हर चीज़ आप खुद से कर सकते हो? नहीं. स्पेशलिस्ट ही तो कर सकते हैं ना, जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, अगर वो उस चीज़ को ही करेगा तो वो ऑब्वियसली बेटर होगा. सो हर एक एक्टिविटी कंपनी करे ऐसा ज़रूरी नहीं है. हेंस इट माइट नॉट बी इन अ पोजिशन टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑफ ईच प्रोसेसेस बीइंग कैरिड आउट इन द इंडस्ट्री. हाउएवर सच इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी फॉर अ फर्म टू कैरी आउट अ वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस. ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस करने के लिए, बट आपके पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं. A company must identify the cost drivers for each of the process in the value chain of the industry as done in the case of internal value chain analysis. अभी थोड़ी देर पहले हमने जब internal cost analysis पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था ना cost drivers को identify करना है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि आपको हर एक process के लिए cost drivers को identify करना बहुत ज़रूरी है. A company must identify and evaluate the opportunities for sustainable competitive advantages after carrying out a industry value chain analysis. तो आपको अपनी opportunities को खुद से ही identify करना पड़ेगा, evaluate करना पड़ेगा, उसी के basis पर आप decision making कर पाओगे. Next we have is the example. A company manufactures cars using various components like chassis, steering wheel, tires, axles, etc. The company does not manufacture all the components in-house and are purchased from third-party suppliers. The company focuses on assembly line, which is its core competency. बिल्कुल सीख कर रही है कंपनी, क्योंकि हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, हमारी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है. अगर हम हर चीज़ करने लग जाएंगे तो जो हमारी एक्चुअल में कोर कॉम्पिटेंसी है ना, उसकी भी क्वालिटी कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है. तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको जिस चीज़ पर आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है उसी पर फोकस करना चाहिए और उसी को बेटर एंड बेटर बनाना चाहिए. However, certain parts which are critical to the car are manufactured in-house. Obviously बात है, जो चीज़ बहुत critical हैं उस पर आप बिल्कुल भी compromise नहीं कर सकते, बिल्कुल risk नहीं ले सकते, that should be produced in-house, जिससे कि वो अच्छा ही बने. This is a strategic choice to gain a competitive advantage, which is very correct. Next page. In another case, a company could identify that there is virtually no competition in a particular process of the value chain. In such a case, it is less likely that the company might get a competitive price for the components it purchases. It is there, if there is only one single battery manufacturer, the car company might end up paying higher price. Obviously बात है, जब suppliers limited होते हैं, हमने कल ही पढ़ा था, जब suppliers limited होते हैं, कोई product ऐसा होता है जो हर कोई supplier नहीं product provide करता, input ऐसा है, तो उस case में क्या होगा, आपको ज़्यादा price pay करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि there is a bargaining power of the suppliers. कल हमने ये चीज़ topic cover किया था industry value chain analysis के अंदर, Potter's 5 forces, जिसमें हमने factors पढ़े थे which influence the profitability. तो उसके अंदर हमने point cover किया था कि अगर limited suppliers होते हैं, input ऐसा है जो बिल्कुल अलग है, सब लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, सो उस केस में आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, ज़्यादा प्राइसेस पे करने पड़ते. सच अ सिचुएशन कुड लीड टू अ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज. क्यों? क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ इनपुट ज़्यादा मिल रही है,
कॉस्ट ऑफ इनपुट ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, इसकी वजह से आपका ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आप कॉम्पिटेटिव प्राइस पर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे. अ कंपनी माइट ऑल्सो कैरी आउट नेगोशिएशंस विद इट्स सप्लायर्स आफ्टर एन एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री वैल्यू चेन, कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर कॉम्पिटेटिव प्राइसेस में आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बाहर से मिल सकता है. उसके बेसिस पर आप सप्लायर्स डिटर्मिन कर पाओगे कि ऐसे कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जो आपको बाहर से लेने चाहिए. This generally happens when the company observes that certain section of value chain is charging excessive margin. So, इन्हीं जब सब चीज़ों से आपको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें आपको खुद बनानी चाहिए और कौन सी चीज़ आउटसोर्स कर देनी चाहिए, बाहर से ले लेनी चाहिए. So, this was about our topic value chain approach for assessing the competitive advantage. जिसके अंदर हमने तीन तरह के analysis पढ़े, internal cost analysis, internal differentiation analysis और तीसरा vertical linkage analysis. I hope we are clear with this and we are done with this topic. And I hope आपको ये topic अच्छे से clear हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा. And if you have any suggestions regarding any improvement, you can refer that in the comment section below. Also, if you like the video, please, please, please give it a big thumbs up, because it takes a lot of efforts to make such videos and I enjoy doing it. I hope you all are also enjoying watching these videos. So share it with your friends and subscribe to the channel in case you haven't yet. Also, if you have any particular or specific topic requests from any of the subjects that we have in CA Final new course, you can let me know about that in the comment section below. Thank you for watching, guys. This is all for today. Take care and I'll see you in the next video. Bye-bye.